हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की स्टार्टिंग करते हैं अपनी ब्लॉग की। और बस अभी बज रहे हैं 7:30। अभी उठी थी मैं, चाय वगैरह पी है, उसके बाद मैंने लगा ली सुबह उठते के साथ। आज मशीन ऊपर आ गई हूँ, उठते के साथ मशीन लगाऊंगी पहले, उसके बाद और कोई काम करूँगी। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं नीचे, अब जल्दी से पहले मशीन लगा लेते हैं और ऊपर का झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, मट्टी मट्टी हो रही है, पूरी छत गंदी हो रही है, वो साफ़ करनी है, उसके बाद नीचे का काम करूँगी शुरू। तो जल्दी से पहले अपने कपड़े वगैरह वॉश करके सुखा के ऊपर का काम फिनिश करके फिर जाते हैं नीचे। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे फिर। और आज है चाहत की पीटीएम, आज मुझे जाना है उसकी पीटीएम में भी। तो देखते हैं कि लड़की का कैसा रिजल्ट आया है, कितने नंबर से पास हुई है, कितने नंबर से क्या। तो नर्सरी क्लास में तो इतना तो वो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा चल रहा है, तो बस उसके लिए ही थोड़ा सा टीचर्स ने ऐसे किया। वरना किसी किसी स्कूल में तो नर्सरी क्लास में एग्ज़ाम होते भी नहीं है। तो बस अब जल्दी से काम फिनिश कर लेती हूँ, पहले ऊपर का फिर नीचे का, फिर 11 बजे मुझे जाना है पीटीएम में, और फिर उसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जहाँ के कितने क्या मार्क्स आए हैं और पढ़ाई में कैसी है। तो मैंने ना अपनी मशीन जो ये ऊपर किचन है ना, इसी में रखी हुई है, तो ये लग रही है मशीन। जल्दी से वाले कपड़े निकाल के और फिर दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। देख डी वो है ना, उठ के बाहर भी चली गई और आप सोते रहो, क्या टाइम हो गया? 9:45 हो रहे हैं भाई, उठ जा बेटा, नहा लो फिर चलेंगे, स्कूल चलना है, उठो जल्दी से। पीटीएम में नहीं जाओगे? क्यों? चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो चलो। अच्छा पिटाई नहीं करेगी मैम, चलो उठो जल्दी से, गेट अप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं क्या बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी से बेटा। डीबू उठ के बाहर भी चली गई घूमने के लिए, लेकिन चाहत की नींद पूरी नहीं हो के दी अभी तक। अभी भी कह रही है कि मम्मा भी थोड़ी सी देर और सोने दो, बावली बेटी। और गाइज इन दोनों बहनों ने देखो रात को मिलके ये पूरा टेंट हाउस जो इनका बना रखा था मैंने, ये पूरा तोड़ दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा के ही रख देती हूँ, क्योंकि ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। देखना ऊपर से भी पूरा तोड़ दिया, नीचे से भी सारे पाइप वगैरह निकाल दिए, तो मैंने इसका कवर ये हटा कर, इतना स्पेस कमरे में भी नहीं है जितना कि ये जो इनका ये टेंट हाउस है ये ले लेता है। तो फिर मैंने सोचा अब इसको हटा के और रख देती हूँ, जगह भी नहीं है कमरे में, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता ये लगाने के बाद। चाहत हमारी उठ गई है भाई, अब अभी अभी उठी है बिल्कुल लड़की, और मुंह फाड़ रही है हमें, बेटा नहा लेगा, ब्रश कर लेगा, है ना। और मैंने ऊपर मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ मैं, ठीक है आप जल्दी से नहा लो, पानी डाल दूँ क्या? ओके मत जा, पीटीएम में नहीं जाना इसको गाइस। तो सबको पहले हेलो बोल दो, पूछो सब कैसे हो, और एक बार वो तो बोल दो चाहत कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो बोल दो ना। नहीं बोलेगा, अभी नींद में है लड़की, तो जल्दी जल्दी से अब इसको उठाती हूँ, फिर नहला देती हूँ और ऊपर मशीन लगा के आती हूँ। झाड़ू मैंने निकाल दी थी, अभी पोछा लगाना रह रहा है, तो सोचा कि इतने कपड़े धुल रहे हैं तो फिर मैं नीचे जाके नीचे का काम फिनिश करती हूँ। तो पहले इसको उठाया है, अब कमरे की सफाई वगैरह करूँगी, तो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। 8:30 हो गए और कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक मेरा। और इसको देखो ये क्या कर रही है बैठ के। तो गाइज चाहत के पीटीएम में मैं होके आ गई थी, और जो चाहत का रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखो आप लोग भी इसका रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छी ग्रेड इसको मिली है। तो
अब हो गई है चाहत केजी क्लास में, तो करते हैं अपने इस वाले वीडियो का एंड, तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस छोटे से व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना, तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।